दीपक आपने जलाया तो दीपक कब तक जलता है? जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा, और जैसे ही दीपक में से तेल समाप्त हो जाएगा वो बाती बुझ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। एक बात और ध्यान से सुन ले, अभी इन दिनों में या कभी भी दीपक फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए, इससे पितृ अतृप्त होते हैं। कोई भी दीपक आप फूंक मार कर न बुझाएं। निवेदन है मेरा आप सबसे, जो लोग फूंक मार कर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन प्यारे जीवन भर काम आने वाली बता रहा हूं आपको, कहने को तो कहते अच्छा साहब ये फूंकने से नहीं बुझाना है, कोई बड़ी बात थोड़ी, अब आपने बता दिया देखेंगे, लेकिन बात बड़ी है। आपके पितृ रुष्ट होंगे और आपके पितृ रुष्ट हो गए मुश्किल कर देते हैं, बच्चे को बढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ने मीन्स आगे जिससे वो तरक्की कर सके इत्यादि इत्यादि क्रम, घर में बीमारियां कर देते हैं, ये सब चीजों पर सावधानी रखिए। तो दीपक को फूंक मार कर ना बुझाएं आप, निवेदन, पितर प्रसन्न होंगे। और अगर घर में दीपक जला सके पितरों के नाम से इन दिनों में ज्यादा अच्छा होगा। तो दीपक कब तक जलता है? बोले दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, जैसे तेल समाप्त होता है दीपक बुझ जाता है। ठीक वैसे ही जीव कब तक जिंदा रहता है, हैं? कब तक? इसीलिए गरुण पुराण सुनना चाहिए, मनमुखी मत बनो पुराण मुखी बनो, जो पुराण कहे वो मानो। व्यक्ति जिंदा रहता है जब तक उसके कर्मों का फल जिंदा रहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है यहां पे, और ये पद्म पुराण का श्लोक है जो आपको बता रहा हूं। पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब मृत्यु का मतलब क्या है, जब तक व्यक्ति के कर्म जिंदा रहते हैं और जब तक वो कर्मों का फल नहीं भोग लेता है तब उसकी तब तक मृत्यु नहीं होती, और जब वो कर्मों का फल पूर्णतः भोग चुका होता है और जब भोगने के लिए कुछ शेष नहीं होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पुराणोक्त मृत्यु है।